सुबह कल जो शाम को 4 बजे हुई थी वहां पर एक नक्सली का शव मिला है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर लाते हैं पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मैं बता दूं घटना स्थल पर से कई अत्याधुनिक हथियार भी JJMP के बरामद हुए हैं। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं वीडियो देखकर कि इलाकों में अभी भी सुरक्षा बल का छापामारी अभियान चल रहा है नक्सली संगठन JJMP के विरुद्ध में। मैं आपको पूरी घटना के बारे में बता देना चाहता हूँ कि लातेहार SP श्री अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड जगुआर की टीम और लातेहार जिला बल की टीम लातेहार के सलैया गांव के जंगल में, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है सलैया गांव का जंगल टोंगारी, जहां पर नक्सली संगठन JJMP और झारखंड जगुआर की टीम के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी। हुई इस मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट जो श्री राजेश कुमार थे वे नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। वहीं मौके वारदात से जो आज जो सुरक्षा बल जो छापामारी जो करने जो गई वहां पे गांव में, तो वहां पर रेड के दौरान वहां पर एक नक्सली का शव बरामद हुआ जिसे शिनाख्त कुंदन भुइया के नाम से किया गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल ले गई है। वहीं आप देख सकते हैं कि लातेहार के सलैया गांव के जंगल में सुरक्षा बलों का कॉम्बिंग ऑपरेशन नक्सलियों के धर पकड़ के लिए लगातार चलाया जा रहा है। लातेहार के सलैया गांव ऑन इनकाउंटर स्थल से मनोज दत्त।